भक्ति मैस्त्री और आपका फिर से ये चैनल पे स्वागत है। सो लास्ट टाइम गणेश सर जी ने जैसे हमें सांपों के बारे में बहुत ढेर सारी इन्फॉर्मेशन दी जो कि हमें जानना बहुत ज़रूरी था, तो इस बार सांप काटने के बाद हमें फर्स्ट एड या प्रथम उपचार क्या करने चाहिए इस बारे में सर हमें जानकारी देंगे। तो सर प्लीज़ हमें बताइए कि सांप काटने के बाद हमें क्या क्या करना चाहिए। ओके, जैसे कि भक्ति जी काफ़ी अच्छा सवाल किया है आपने, और ये जो अभी फर्स्ट एड हम लोग बताने जाने वाले हैं वो हर एक इंसान को इसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये किसी इंसान की जान बचा सकता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट एड प्रथम उपचार जो है सांप काटने के बाद या सर्प दंश होने के बाद में क्या करना चाहिए ये पता रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अभी जैसे कि हम लोग पहले बात करेंगे कि सांप अगर काटता है तो क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहले से बहुत कुछ चालू है जो बार बार हम लोग वही देखते हैं, वही सुनते हैं, तो वही करने की कोशिश भी कर सकते हैं। तो क्या नहीं करना चाहिए इसके बारे में बोलता हूँ। अगर सांप काटे तो कभी भी सबसे मतलब पहली बात है कि हम पहले बोलते थे कि जहाँ पे घाव हुआ है, जहाँ पे बाइट हुआ है, फैंग्स की निशान है, वहाँ पे हम लोग ब्लेड से या धार किसी चीज़ से हम लोग कट कर देते हैं ना, आड़े टेढ़े यहाँ से कट कर देते थे, जाकि जबकि मतलब ब्लड जो निकल जाए उसके साथ जहर भी निकल जाए। तो ऐसा कभी भी हमें करना नहीं है, कभी भी ब्लेड से यहाँ पे काटना बिल्कुल नहीं है। इससे क्या हो सकता है, कहीं पे नस वगैरह फट के हमारा जो ब्लड है वो एक्सेसिव ब्लड जाने के कारण भी खतरा हो सकता है, और ज़्यादा ब्लड एक्सेसिव ब्लड जाने के कारण भी मृत्यु भी हो सकती है। तो ऐसा कभी भी आपको नहीं करना है। दूसरी बात, कभी भी मुंह से जो है हमारा जो जहाँ पे बाइट हो गया है मुंह से कभी भी वो सक नहीं करना है, खींचना नहीं है, क्योंकि ये बहुत टाइम टीवी में एक्चुअली दिखाते हैं कि कुछ भी हो जाए या सांप काट जाए तो फिर वहाँ पे वो ब्लड सक करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ऐसे सर बता रहे हैं। यस तो ये मूवी में ठीक है, मूवी की जैसे हिंदी मूवी में हम लोग देखते हैं, मूवी और रियल लाइफ बहुत अलग हो जाती है। तो ये कभी भी आपको जो है जैसे मुंह से जो सक नहीं करना है। देखिए, अगर ये जो है एक्चुअली ये प्रोटीन ही है, जहर जो है प्रोटीन ही है, ठीक है, लेकिन इसको अगर आप जैसे कि पीते हैं, फॉर एग्जांपल इंटरनल कुछ भी आपको जैसे कि इंजरी नहीं है, ठीक है, कहीं भी ब्लड के साथ में उसका अगर कुछ जैसे कनेक्शन नहीं होता है तो ये घातक साबित नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप ये मुंह से खींच रहे हो, ठीक है, तो मुंह में कहीं ना कहीं इंजरी होती ही है, छाले होते हैं या कुछ ऐसा, तो ये वहां से इंसर्ट कर सकते हैं आपके ब्लड में, और आपके लिए जो उनकी बचाने की कोशिश जो कर रहे हैं उनके लिए भी घातक साबित हो सकता है। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। दूसरी बात जो है, हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे टाइट एकदम, जैसे कि यहाँ पे काटा तो ऊपर जो है कुछ ये हिस्सा छोड़ के ऊपर की तरफ हम लोग टाइटली बांधते थे, ताकि जहर जो है आगे ना फैले करके। लेकिन ये टाइट बांधने से भी क्या होता था, यहाँ पे ब्लड का फ्लो नहीं जाता था, ठीक है ना, तो यहाँ पे मांसपेशी जो है, टिश्यू जो है डैमेज और डेट हो जाती थी, तो उससे भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो यहाँ पे भी टाइटली हमें कभी भी बांधना नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है आपको बिल्कुल नहीं करनी है। अभी क्या करना है आपको, ये हम लोग वर्बली भी बताएंगे और भक्ति जी जो है इनके साथ हम लोग प्रैक्टिकल भी करने वाले हैं, ठीक है। जब भी सांप काटता है तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि वो सांप जो है वो कैसे दिखाई देता है, उसका आकार कैसे है, उसका कलर कैसे है, ये आपको क्यों देखना ज़रूरी है, ताकि जब आप हॉस्पिटल में जाते हो, ठीक है ना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में आप जब जाते हो तो वहाँ पे आप डॉक्टर को आपको अगर बताते हो कि किस तरह का सांप था तो उनको भी आसान होती है इलाज करने में, ठीक है। जैसे ही सांप ने आपको काटा है, ब्लीडिंग होती है, तो खून को बहने दो, ठीक है ना, उसको रोकने की कोशिश मत करो, क्योंकि वो बहता है तो उसके साथ कुछ प्रमाण जो है जहर का वो निकलने की संभावना रहती है, तो उसको बहने दो, ठीक है। उसके बाद जो है तुरंत जो है साबुन के पानी से आपको हाथ को धोना है, ठीक है, साबुन के पानी से आप हाथ धोते हो, उसके बाद में जो है आपको कभी भी ध्यान में रखना है पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। अगर आप पैनिक हो जाओगे तो आपकी दिल की धड़कनें जो है बढ़ जाएगी, दिल की धड़कनें अगर बढ़ेगी तो रक्त का जो फ्लो है वो बढ़ जाएगा और जो जहर है वो शरीर में फैलने के लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो पैनिक बिल्कुल नहीं रहना है, काम रहना है, शांत रहना है, वही आपके लिए जो है अच्छा साबित हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में जो आपको हाथ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर काटा है तो ये आपके हार्ट के लेवल से नीचे रखना है आपको, ठीक है। वो हाथ जो है उसका ज़्यादा मूवमेंट आपको कभी भी नहीं करना है, ज़्यादा मूवमेंट नहीं करना है, ठीक है। और आपको जल्द से जल्द जितने कम समय में हो सके आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना चाहिए। जैसे पहले पार्ट में मैंने बताया था कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना चाहिए, जाके पहला पार्ट जरूर देखना, ताकि आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी मिलने वाली जो आपको पहले कभी मतलब आपने सुनी ही नहीं है। जी जी, वो इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो है
अभी जैसे ही सांप काटते हैं, मैंने बोला कि जैसे ही ब्लडी ब्लीडिंग होती है तो उसको रोकना नहीं है आपको, साबुन के पानी से अच्छे से धोना है आपको, तुरंत हाथ को ज़्यादा हिलाना नहीं है, पैनिक नहीं होना है, सबसे बड़ी बात पैनिक नहीं होना है, और जो हार्ट के लेवल से जो बॉडी पार्ट के जहाँ पे काटा है वो निचले स्तर पे आपको रखना है। आपके हाथों में यहाँ पे अगर ज्वेलरी होगी जैसे रिंग्स वगैरह होगी तो उसको निकालना है, ताकि जैसे सांप ने काटा है जहरीला अगर सांप होगा ठीक है तो वहाँ पे स्वेलिंग होने के चांस, सूजन आने के चांस रहते हैं, और सूजन अगर आ जाएगा तो ये निकालना मुश्किल हो जाएगा, हो सकता है सूजन इतनी ज़्यादा है यहाँ से स्किन का फटने का भी, इंजर्ड होने का भी चांसेस होता है, तो ज्वेलरी अगर हाथ में अगर रहेगी तो उसको आपको निकालना है ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है हम लोग प्रैक्टिकल में देखेंगे ठीक है। जैसे कि हमारे पास कुछ घर में सामान ही रहता है, अभी यहाँ पे कुछ सामान मैंने रखा है घर में, इसके अलावा आप लकड़ी की कुछ पट्टी इमोबिलाइजेशन करने के लिए लकड़ी की पट्टी का वगैरह इस्तेमाल कर सकते हो, लकड़ी की पट्टी हमने रखी है, आप दुपट्टा या कोई ऐसा कपड़ा लपेटने के लिए, ताकि जो खून जो आपका जहर है वो आगे तक ना फैले ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मिले, इसके लिए आपको क्या करना है ये हम लोग देखने वाले हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि यहाँ पे भक्ति जी ये हाथ दीजिएगा, यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे काटा है, इस हिस्से में ये दो दांत के निशान है ठीक है, तो यहाँ पे दो दांतों के आपको यहाँ पे निशान दिख रहे हैं, यहाँ पे अगर बाइट हो गया है ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बोला कि ये इसको ब्लीडिंग हो रही है तो होने दो, उसको ब्लीडिंग होने दो ताकि कुछ मात्रा में जो जहर वो निकल जाएगा ठीक है। उसके बाद में ये जो हिस्सा है इसको नीचे स्तर पे रखना है, हार्ट के नीचे के स्तर पे रखना है, ज़्यादा हिलाना डुलाना नहीं है, पैनिक नहीं होना है, इस हाथ में कुछ भी आपका रिंग्स वगैरह पहना है तो उसको निकाल के रखना है ठीक है। दूसरी बात, आपके पास ऐसा कुछ भी होता है जैसे कि ओढ़नी वगैरह होती है ऐसे ठीक है ना, तो इसको ना दबाव बनाने के लिए ठीक है यहाँ से शुरू करना है आपको, यहाँ से कुछ उंगली आपको छोड़नी है यहाँ पे ठीक है, यहाँ से आपको इस तरह से लपेटना है ठीक है, और ज़्यादा दबाव नहीं देना है ठीक है, ज़्यादा दबाव देंगे तो अगला जो हिस्सा है उसको खून नहीं पहुँचेगा और प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो इस तरह से हम यहाँ पे जो है यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर नहीं देंगे ठीक है, लेकिन दबाव बनाना बहुत ज़रूरी है ताकि जहर जो है ये आगे हिस्से में ना जाए, हार्ट की तरफ ना जाए, और हार्ट से पूरा शरीर में ना फैले, हमें ज़्यादा वक्त मिले इसलिए हमें इस तरह से करना है ठीक है। दबाव आप बनाते हो तो आपको देखना है, जो आप दबाव बना रहे हो ठीक है उसमें नीचे का जो हिस्सा है पूरा बॉडी का जो हिस्सा है उसको थोड़ा सा ब्लड फ्लो जो है, रक्त प्रवाह जो है वो ना रुके ठीक है। इस तरह से हमने यहाँ पे ये कर दिया है। उसके बाद में आप यहाँ पे जो हमारी एडेसिव टेप रहती है इससे आप इसको स्टिक कर सकते हो, इससे आप स्टिक कर सकते हो, ज़्यादा हिलाना डुलाना नहीं है आपको, हाथ को ज़्यादा मूवमेंट नहीं करना है ठीक है। इस तरह से यहाँ पे काटा है, आप निचले हिस्से से लेके ऊपर तक जितना करते हो उतना अच्छा रहता है। आप यहाँ पे आपके जो यहाँ पे उंगलियाँ है इसको पिंच करके ऐसा देख सकते हो, अगर पूरी तरह से ये पिंच करने के बाद ये ऊपर आ रहा है मतलब यहाँ पे ब्लड फ्लो प्रॉपर भी हो रहा है, अगर अंदर दबाया आपने नाखून से और ये सफ़ेद दिख रहा है, नीचे ऊपर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है, और इसके अंदर एक उंगली आपकी जा सकती है, इतना थोड़ा सा डिस्टेंस आपको रखना है ताकि ये दबे ना, ब्लड फ्लो जो है वो रुके ना, वो आराम से चलता रहे लेकिन दबाव बने रहे ताकि जहर जो है आगे के हिस्से में ना फैले। और इसी तरह से आप इसको इमोबिलाइजेशन कर सकते हो, ज़्यादा मसल की मूवमेंट ना हो इसलिए इसको कम से कम तीन जगह चार जगह आप बांध के ले सकते हो, यहाँ पे इस तरह से आपको बांधना है इसको, ये मैंने बांध दिया हल्के से, पट्टी भी आप देखते हो तो उसको कहीं पे नुकीली धार वगैरह ना हो, नहीं तो हाथ को हर्ट कर सकती है, इसका भी आपको ध्यान में रखना है। इस तरह से आप इसको सहारा ले सकते हो, इमोबिलाइज कर सकते हो। उसके बाद में एक यहाँ पे मैं बांध दूँगा, अभी मैंने जो बांध दिया है कपड़ा ये इधर तक ही बांधा, लेकिन आप जितना ऊपर तक बांधते हो उतना अच्छा होता है। यहाँ पे मैंने, और इसी तरह से हाथ को नीचे के स्तर पे रखना है ठीक है, इसको ज़्यादा हिलाना डुलाना नहीं है, ये स्टेबल है, आपका मसल भी मूवमेंट नहीं होगा, यहाँ से ब्लड का फ्लो ज़्यादा आप मतलब आपको ज़्यादा समय मिलेगा, जहर फैलेगा नहीं ठीक है, यहाँ तक जो है ब्लड का फ्लो जाना चाहिए ताकि ये हिस्सा हमारा बराबर से रहना चाहिए हाथ का, उसको कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से जो है आपको फर्स्ट एड करना है ठीक है, इस तरह से कपड़ा जो है, अब जैसे ओढ़नी है या कोई कपड़ा है वो अगर यहाँ पे काटा है तो पूरी तरह से ऊपर तक
आपको लपेटना है, ठीक है, लेकिन यहाँ की थोड़ी उंगलियाँ छोड़नी है ताकि ब्लड फ्लो हो रहा है कि नहीं निचले हिस्से तक, वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय मिलेगा और मैंने बताया आपको क्या नहीं करना है, क्या करना है, ठीक है। अभी नज़दीक के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप जाते हो तो वहाँ पे वो बताते हो कि किस तरह का सांप था, कौन से कलर का था, कौन से आकार का था, तो उनको इलाज करने में आसानी होती है। दूसरा कि आपके सिम्टम जो है वो देखते हैं कि आपको ब्रीथिंग करने में प्रॉब्लम हो रहा है, आपको पसीना छूट रहा है, पलके आपकी भारी हो रही है, ठीक है, वहाँ पे स्वेलिंग हो गया है, सूजन आ रही है, वॉमिटिंग हो रही है, क्रैम्प आ रहे हैं, ठीक है, थीके? तो ये सारे सिम्टम जो है, ये सांप काटने के सिम्टम्स जो होते हैं, तो उसके ऊपर उनको पता चल जाता है कि उस तरह से एंटीवेनम, स्नेक एंटीवेनम जो है उससे इलाज हमारा करते हैं और उससे हम लोग हमारी जान को बचा सकते हैं। तो इस तरह से हमें फर्स्ट एड करना बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट पार्ट जो है और ये सेकंड पार्ट जो है आप खुद ही देखिएगा और दूसरे भी आपके जो फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, इनको ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो ज़रूर दिखाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल। अगर सांपों के बारे में आपको कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच। डू लाइक सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।